डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन अदर काइंड ऑफ कम्युनिटी नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड ऑनलाइन ब्रांड कम्युनिटीज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम एक मैथ सोसाइटी जो कि एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें रह रहे हैं और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्सपिकुस कंजम्पशन भी करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि हम एक तरह की कंज्यूमर सोसाइटी हैं और हम एज़ अ कंज़्यूमर कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट uh, ब्रांड्स uh, की प्रोडक्ट्स को uh, ख़रीदें उनको जो पहने या आपकी एक तरह से डिफरेंट ब्रांड uh, uh, की प्रोडक्ट्स के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है या उस ब्रांड के साथ अटैचमेंट हो जाती है तो ये जो ऑनलाइन ब्रांड कम्युनिटीज़ हैं ये एक्चुअली इसी तरह के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए क्रिएट की जाती है So let's see the background of the online brand community. In times of complexity with demanding consumers and intense global competition, the web has given marketing and communication managers new tools and new opportunities to improve the effectiveness of their action. So global competition on different प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट ब्रांड्स और उनकी जो है मार्केटेबिलिटी एक मेजर फैक्टर uh, होती है किसी भी ब्रांड की सक्सेस के लिए तो जो ये जो वेब टू पॉइंट ओ है इसने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है मार्केटिंग के प्रोसेस को और एक तरह से नए काइंड ऑफ मार्केटिंग एवेन्यूज प्रोवाइड किए हैं ब्रांड्स को कि किस तरह वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग और न्यू कंज्यूमर्स को कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही ब्रांड की ही प्रोडक्ट को खरीदें सो ऑनलाइन ब्रांड कम्युनिटीज आर आ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्चुअल कम्युनिटी करैक्टराइज बाय द फैक्ट दैट डिफरेंट पीपल विद द कॉमन ट्रेट ऑफ बीइंग एडमायर्स ऑफ अ ब्रांड आर गैदर टुगेदर सो Uh, ये इस तरह की एक वर्चुअल uh, कम्युनिटी है जिसमें किसी भी ब्रांड की एक प्रोडक्ट के जो एडमायर हैं और वो एडमायर्स कंज्यूमर्स uh, होते हैं वो एक कलेक्टिवली uh, कोई एक ऑनलाइन uh, प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं जिस पे वो अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अबाउट द प्रोडक्ट और अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं अबाउट द प्रोडक्ट When we talk about the elements of the brands, online uh, brand communities have three basic elements people, a shared interest, a common space of interaction. So, the people uh, in online brand communities are those who are the consumers of, of the particular product. A shared interest is actually the brand and the product of the brand for which they are interacting with each other and a common space of interaction, the platform, online platform, uh, on the which they are interacting with each other. so online brand communities are good places to carry on the process of social construction. so the brands can utilize these platforms in order to develop their good perception uh, among the members of the Star society. Ke unka brand jo hai, वो कितना अच्छा है कितना यूज़र uh, फ्रेंडली है कितना uh, जो है वो अपने कस्टमर्स की केयर करता है तो डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं प्रोडक्ट को उनको उसके ऊपर उनकी एक परसेप्शन को बेहतर कर सकता है या एक अच्छी परसेप्शन क्रिएट कर सकता है सो इन दिस वर्चुअल प्लेस पीपल कैन एक्सपीरियंस द ब्रांड फील पार्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड आइडेंटिटी कल्चर वैल्यूज़ इमेज एंड शेप ओपिनियन सो जैसे कि भी आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकल हैवी बाइक मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसको हार्ले डेविडसन ब्रांड कहा जाता है तो हार्ले डेविडसन के जो ब्रांड के जो मोटरसाइकिल हैं उसके जो कंज्यूमर्स हैं या जो उनको ख़रीदते हैं तो उसके को उनकी अपनी एक वो आइडेंटिटी शेयर करते हैं वो अपना एक कल्चर शेयर करते हैं तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स हैं इनको जो है यूज़ करते हुए उन कल्चर्स को उन आइडेंटिटीज़ को प्रमोट किया जा सकता है एंड इन डूइंग सो दे डेवलप्ड अ शेयर कॉन्शियसनेस रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस एंड अ सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो प्रोडक्ट की एक जो है शेयर्ड कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं एक ट्रेडिशन क्रिएट करते हैं और इसी तरह एक काइंड ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट थ्रू दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन ब्रांड कम्युनिटीज